24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आलीराजपुर से, जहां पर चांदपुर के पास यात्री बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव तत्काल करते हुए घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुँचाया गया। आपको बता दें कि उदयपुर से आलीराजपुर जा रही तन्वी बस क्रमांक GJ01CZ6306 के ड्राइवर को नींद का झोंका आने से बस मेलखोदरा नदी थाना चांदपुर के पुल से नीचे जा गिरी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिट्टू सहगल, SDM श्रीमती लक्ष्मी गामड़, SDOP आलीराजपुर, थाना प्रभारी चांदपुर सहित अन्य प्रशासनिक अमला तत्काल मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रशासन आसपास के रहवासियों की मदद से तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए लगभग 39 लोगों को रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। बस में लगभग 42 सवारी थी, जिसमें से 28 लोगों को चोट लगी और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। आलीराजपुर से संवाददाता मुस्तकीम मुगल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।